हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू एडिशन ऑफ 15 अक्टूबर 2022। और आज का न्यूज़पेपर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नॉर्मली ये सेप्टेम्बर में आ जाता है, बट इस बार अक्टूबर में आया है एंड दिस इंडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अलॉन्ग विद दैट, आज हम UAPA के बारे में, हमने पहले भी पढ़ा था कि एक ग्रुप था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री अंडर द UAPA केस। सो हमने वहाँ पे पढ़ा था। आज फिर से UAPA से रिलेटेड दो न्यूज़ हैं, तो वो दोनों नाम, क्योंकि PFI जो है और UAPA जो खास करके है, जो हमने डिटेल में किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपने पास्ट में भी पढ़ा था कि कप्पन करके एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, इनको यूपी के पुलिस ने अरेस्ट किया था अंडर UAPA एक्ट, तो इनको भी बेल मिल गया, ये भी छूट गए। अब एक और जो हैं जिनको तो बहुत पहले 2014 में अरेस्ट किया गया था, वो दिल्ली के प्रोफेसर थे, उनको भी अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्विट कर दिया है। बट कश्मीर में दो लोगों को अरेस्ट किया है इसी केस के अंदर, तो हम ये न्यूज़ एक साथ करेंगे। देन विल मूव आउट टू स्टडी अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन डिटेल। दैट इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। पास्ट में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया था, उससे पहले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किया था। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सो वी विल डू दैट। अलॉन्ग विद दैट, आज इस न्यूज़ में हम इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड एक छोटी न्यूज़ आई है, बट मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट इंडिया चाइना। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। द फर्स्ट इज about the acquittal of former Delhi University professor G.N. Sai Baba. He was acquitted by Nagpur bench of the Bombay High Court. तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, इसके काफ़ी सारे बेंचेस हैं। एक तो एक नागपुर में है इसका बेंच, दूसरा औरंगाबाद में है, तीसरा इसका जो बेंच है वो पनजी में है, दैट इज कोगोवा। तो जो नागपुर बेंच है इनको एक्विट किया है। ही वॉज अरेस्टेड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब जो साई बाबा हैं, ही इज़ 90% फिजिकली डिसेबल्ड एंड व्हील चेयर बाउंड, एंड इनको अरेस्ट किया गया था 2014 में फॉर अलेज्ड लिंक विद बैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉर्च। देखिए, यहाँ पे आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बहुत सारा नाम सुना होगा, ठीक है ना, बट उसमें से एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा है जो बैंड है, तो दैट इज CPI मॉइस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे CPI के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वेरियंट, लाइक मार्क्सिस्ट CPI, मार्क्सिस्ट CPI जो होता है, ML लिखते हैं बहुत लोग, दैट इज़ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, बट जो इंडिया में जो बैंड है CPI, दैट इज़ CPI मॉइस्ट, ओके। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के एक सेशन कोर्ट ने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था, उसके बाद अपील किया गया था, तो वो 8 साल के बाद उस पर नागपुर बेंच ने उनको रिहा किया है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो डिविजन बेंच ऑफ जस्टिस रोहित देव एंड अनिल पंसारे, दे हैव ऑल्सो एक्विटेड 5 अदर्स, दैट इज़ महेश तिर्की, पांडू पौरा नारोटे, हेम केशव दत्ता मिश्रा, प्रशांत राही एंड विजय नान तिर्की। उसमें एक और थे पंडू नारोटे, सो ही डाइड ऑन August 26 ड्यू टू स्वाइन फ्लू। नाउ अगर हम देखेंगे एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दैट एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट मिस्टर साई बाबा वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश रामलाल आनंद कॉलेज एफिलिएटेड टू DU एंड हिज सर्विस वॉज टर्मिनेटेड इन 2021। नाउ द नेक्स्ट इज जस्ट वन लाइन द जस्ट टू रिमेंबर, दैट इज द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन विच विल बी हेल्ड ऑन November 12 एंड वोट्स विल बी काउंटेड ऑन December 8। ओके, तो यहाँ पे अनाउंस जब भी होता है इलेक्शन, तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, वो एक EC के हाथ में चले जाता है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में चले जाता है, ठीक है। तो नाउ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 70 डेज टू जस्ट 57 डेज। नाउ अब हम UAPA पे फिर से आते हैं, तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे तो देखो यहाँ पे नाम याद करना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फट से पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल इफ दे आर आस्किंग अबाउट UAPA, दे कैन आस्क यू एनीथिंग व्हिच हैज़ हैपेंड रिसेंटली विद दिस। तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जम्मू एंड कश्मीर का, दैट हैज़ फाइल्ड अ चार्जशीट अगेंस्ट द एडिटर ऑफ द ऑनलाइन मैगजीन। इस ऑनलाइन मैगजीन का नाम देखिए क्या है, कश्मीर वाला, ओके।
तो इनके एडिटर को अरेस्ट किया है और एक पीएचडी स्कॉलर को अरेस्ट किया है फॉर नरेटिव टेररिज्म। तो जो एसआईए है उसने कहा है कि जर्नलिस्ट फाहाद शाह इज अ रेजिडेंट ऑफ श्रीनगर एंड आला फाजिली ही इज अ स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एट कश्मीर यूनिवर्सिटी। दे बोथ हैव बीन बुक्ड अंडर इंडियन पेनल कोड एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो जो मिस्टर फाजिली हैं जो स्कॉलर हैं पीएचडी फार्मास्यूटिकल्स पढ़ रहे हैं, सो ही वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल ओवर हिज आर्टिकल टाइटल द शैकल्स ऑफ स्लेवरी विल ब्रेक, सो विच वॉज पब्लिश इन कश्मीर वाला ऑन नवंबर 6, 2011। एंड मिस्टर शाह जो हैं जो एडिटर हैं, सो ही वॉज अरेस्टेड ऑन फेबरी 4 एंड ही वॉज बुक्ड अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट ऑन मार्च 16 एंड ही इज करेंटली इन कुपवाड़ा जेल। अब इनको अरेस्ट क्यों किया गया है? अब आप देखिए दैट इनके जो आर्टिकल्स हैं, इट वॉज फाउंड टू बी अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन एंड सपोर्टेड द क्लेम ऑफ सेसेशन ऑफ द पार्ट ऑफ कंट्रीज टेरिटरी। ये सीधा UAPA को चैलेंज करता है। UAPA के जब आप सेक्शंस पढ़ेंगे सेक्शन 2 में, तो ये सब चीज़ें इसमें बैंड है कि आप इसको उन चीज़ों की बात नहीं कर सकते विच लीड्स टू सेक्सेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ द कंट्रीज टेरिटरी और विच चैलेंजेस द सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और विच ग्लोरीफाइज वायलेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विल इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिवील द सोर्स ऑफ फंड, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स द सेंटर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है क्या वो ये रिवील करता है कि जो सोर्स ऑफ मनी है जो पॉलिटिकल पार्टीज पाते हैं ये कहाँ से आता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मनी एंड इज इट अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। तो जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, ही हैज सेड दैट द स्कीम अफेक्टेड द वेरी आइडिया ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 342। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दैट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या होता है, तो ये थोड़ा हम डिटेल में कर लेंगे कि ताकि हमारा ये प्रिपरेशन भी हो जाए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड। सो हियर वी आर फाइंडिंग द स्पेस। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018, तो एक एक करके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018, ठीक है, फाइन। सो इट वॉज नोटिफाइड ऑन 2 जनवरी 2018। अब एलिजिबिलिटी देखिए, कौन से ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? तो वो पॉलिटिकल पार्टीज हु आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। आई एम रिपीटिंग, दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये पहला कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन एक और है, दैट इज दैट जो लास्ट लोकसभा जनरल इलेक्शन हुआ होगा या लास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ होगा, सो दैट पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव गॉट एटलीस्ट 1% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड, 1% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन लास्ट जनरल इलेक्शन, ओके, इन लास्ट जनरल इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सेकेंड कंडीशन है। तो पॉलिटिकल पार्टी को ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है टू गेट द फंडिंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है इसके अंदर कि विच इज़ द डेजिग्नेटेड बैंक फ्रॉम वेयर द इंडिविजुअल्स कैन बाय द इलेक्टोरल बॉन्ड, तो दैट इज SBI। तो SBI इज़ द डेजिग्नेटेड बैंक फॉर बाइंग द इलेक्टोरल बॉन्ड। तो SBI जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो काफ़ी सारे डिनोमिनेशन में देता है। तो अगर आप कोई भी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने जाता है, सो दैट बॉन्ड इज अवेलेबल इन ₹1000 डिनोमिनेशन, ठीक है, या ₹10000, ठीक है, या ₹1,00,000, 5 है इसके अंदर, ₹1,00,000, ₹10,00,000 और 1 करोड़। इन डिनोमिनेशन में कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, या 1000 का बॉन्ड खरीदे, चाहे 10000 का, चाहे 1,00,000 का, चाहे 10,00,000 का, चाहे 1 करोड़ का। पर कहाँ से खरीदेगा? SBI से खरीदेगा। उसके बाद ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ये साल में 4 बार अवेलेबल होते हैं, इसको कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, सो देर इज़ अ विंडो ऑफ 10 डेज, विंडो ऑफ 10 डेज इन 4 मंथ्स, विंडोज ऑफ 10 डेज इन 4 मंथ्स। दिस 4 मंथ्स आर जनवरी, अप्रैल, देन जुलाई एंड देन अक्टूबर। इस 4 महीने में 10 दिन के अंदर
कोई भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकता है। जैसे किसी को भी अगर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करना है तो अब वो डायरेक्टली डोनेट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकता है। तो जब वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड SBI से खरीदेगा, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन एक्स हु इज़ बाइंग द इलेक्ट्रोल बॉन्ड ऑफ ₹1 लाख, तो वो क्या करेगा, वो SBI में जाएगा, ₹1 लाख डिपॉजिट करेगा और बॉन्ड खरीदेगा SBI से। ठीक, अब ये बॉन्ड अगर अब समझो कि ये बॉन्ड जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता है, सपोज दैट पॉलिटिकल पार्टी इज P, तो वो ये बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी P को दे देगा। अब इस P के पास ये बॉन्ड आते ही 15 दिन के अंदर अंदर इस बॉन्ड को डिपॉजिट करना पड़ेगा फिर से SBI के अंदर। ठीक है, तो X ने बॉन्ड लिया ₹1 लाख जमा करके, उस बॉन्ड को जिस पॉलिटिकल पार्टी को उसको देना था उस पॉलिटिकल पार्टी को उसने बॉन्ड दिया। अब वो पॉलिटिकल पार्टी SBI जाएगी, उस बॉन्ड को SBI को देगी। अब वो बॉन्ड कितने का है, ₹1 लाख का है, तो उसी दिन SBI ₹1 लाख इस पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। दैट इज द होल प्रोसेस। अदर थिंग इज कि हु कैन बाय द इलेक्ट्रल बॉन्ड। ठीक है, सो सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कैन बाय द इलेक्ट्रल बॉन्ड, मतलब इसमें इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, कंपनीज भी खरीद सकते हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ओके, दैट इज़ अ थिंग। उसके साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड में देखेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जैसे ही कोई बॉन्ड देता है SBI से खरीद के, तो 15 डेज के अंदर अंदर उसको रिडीम कराना पड़ेगा, उसको एनकैश कराना पड़ेगा। ओके, सेकेंड इज ये 10 दिन क्या है, ये 10 दिन मतलब जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर में 10 दिन के लिए जो है विंडो खुलता है जिसमें कोई भी जाके SBI से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकता है और बाद में उसको पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। फाइन, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाया गया था इस पर्पज से कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट बने। ठीक है, और जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो क्रिमिनल एक्टिविटी से नहीं होनी चाहिए। बट फाइनेंस एक्ट 2017 ने थोड़ा सा यहाँ पे एक नया प्रोविजन ला दिया, फाइनेंस एक्ट 2017। ओके, सो फाइनेंस एक्ट 2017, अब इसमें क्या है, फाइनेंस एक्ट 2017 में इसने ये बोल दिया that it exempted all the political parties, they were exempted from disclosing the amount which they are receiving through the electoral bonds। ठीक है, मतलब कि political parties के पास कहाँ से donation आ रहा है, किसने कितना दिया, ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं है through electoral bonds। अब ज्ञानवापी केस से रिलेटेड एक अपडेट है, दैट अपडेट इज दैट द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ पर ज्ञानवापी का पूरा इश्यू चल रहा है, पास्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पटिशन को अलाउ किया था। ठीक है, तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हैज़ डिसमिस्ड एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय सम ऑफ द हिंदू प्लेंटिफ सीकिंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द ज्ञानवापी मॉस्क। ठीक है ना, तो प्ली टू स्टडी द शिवलिंग टू डिटरमाइन द एज ऑफ द शिवलिंग। ये पास्ट में ये बात चल रही थी कि कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा टू आइडेंटिफाई द एज, so that has been dismissed। so district judge जो है AK Vishwesha, he has concluded that as per the supreme court's may order the area around the structure was to remain sealed which was one of the arguments the masjid committee had made before the court and the hindu side has claimed that the disputed structure was a shivling। okay, उसके बाद जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, it insisted that it is the part of the वुजू खाना foundation। तो मस्जिद पैनल ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। okay, fine, now the district court has now rejected the plea of carrying out the carbon dating of the stone of that shivling। ठीक, the next is from defense, that is INS Arihant carries out key missile test। तो INS Arihant जो है वो हमारे कंट्री का पहला बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है। अब इसने सबसे पहले ही बार सक्सेसफुल लॉन्च किया है, क्या, दैट इज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब कि INS Arihant इज नाउ कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स। ठीक है ना, फाइन, सो इट इज अ न्यूक्लियर सबमरीन INS Arihant। सो द सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट वॉज डन बाई द INS Arihant। ओके, अब ये जो मिसाइल है इसका नाम क्या है, K15 SLBM विच हैज द रेंज ऑफ 750 किलोमीटर। द नेक्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट, इंडिया इन सीरियस कैटेगरी एट रैंक 107। ठीक है ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है अगर आप देखेंगे तो आ गया है, सो इंडिया का जो रैंक है इट इज़ 107 आउट ऑफ 121 कंट्री, एंड पूरे साउथ एशिया में इंडिया का रैंक जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान से ही अच्छा है,
बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका इज एट 64, नेपाल इज एट 81, बांग्लादेश एट 84, पाकिस्तान इज एट 99 एंड अफगानिस्तान इज एट 109. इट इज सो आफ्टर अफगानिस्तान इंडिया इज द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया दैट परफॉर्म्स वर्स देन इंडिया ऑन द इंडेक्स. उसके बाद हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना इज अमंग द कंट्रीज कलेक्टिवली रैंक बिटवीन 1 एंड 17 हैविंग अ स्कोर ऑफ लेस देन 5. ठीक है. उसके बाद ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इट एम्स टू मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल रीजनल एंड नेशनल लेवल. इसके बाद इसमें 4 इंडिकेटर्स यूज होते हैं. पहला इंडिकेटर है अंडर नरिशमेंट, सेकेंड इंडिकेटर इज चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड इंडिकेटर इज चाइल्ड वेस्टिंग, फोर्थ इंडिकेटर इज चाइल्ड मॉर्टेलिटी. उसके बाद बेस्ड ऑन द स्कोर फ्रॉम 0 to 100 वेयर 0 डिनोट्स नो हंगर एंड 100 डिनोट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ हंगर. बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेंड हियर कंट्रीज को 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग. तो इंडिया का जो यहाँ पे कैटेगरी है वो है सीरियस कैटेगरी. सो इंडिया फॉल्स अंडर सीरियस कैटेगरी और इंडिया का जो स्कोर है दैट इज 29.1 एंड इट रैंक 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज बिलो रवांडा एंड इथियोपिया. उसके बाद अगर हम देखेंगे इंडिया का स्कोर्स, तो इंडिया का जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब लो वेट फॉर हाइट, कि हाइट के हिसाब से वेट नहीं है, तो उसको कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग. तो वहाँ पे है इट इज़ 19.3%. ओके एंड इज हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. फाइन. और ये अगर आप देखेंगे तो ये डिग्रेड होते ही जा रहा है. ठीक, 2000 में ये 17.15 था, 2014 में ये 15.1 था, अब ये 19.3% आ गया. उसके बाद प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट विच इज़ द मेजर ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन फेसिंग क्रोनिक डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी इनटेक, तो वो भी इंडिया में बढ़ा है. ठीक है, 14.6% से 16.3% चला गया. इट मीन्स इंडिया में अंडर नरिशमेंट इज प्रेवलेंट अमंग 224.3 मिलियन पीपल. उसके बाद इंडिया ने इम्प्रूवमेंट कहाँ पे दिखाया है, दैट इज़ चाइल्ड स्टंटिंग. सो चाइल्ड स्टंटिंग एक्चुअली डिक्लाइन, देखिए दो इंडिकेटर्स नीचे गए, चाइल्ड वेस्टिंग एंड अंडर नरिशमेंट, बट चाइल्ड स्टंटिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है. अब जो है वी आर 30.5% फ्रॉम 38.7%. उसके बाद चाइल्ड मॉर्टेलिटी भी ड्रॉप हुई है फ्रॉम 4.6% टू 3.3%. उसके बाद अगर हम इंडिया का स्कोर देखें तो GHI स्कोर जो है, तो इंडिया का वो 28.2 था इन 2014, नाउ इन 2022 इट इज़ 29.1. चलिए अब एक अपडेट ले लेते हैं वर्ल्ड अफेयर्स से. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रेमलिन ऑर्डर्स क्रीमिया ब्रिज टू बी रिपेयर्ड बाय जुलाई 2023. सो ओवर हियर इफ़ यू कैन सी कि जो ब्रिज रिसेंटली डिस्ट्रॉय हो गया था विच कनेक्ट्स क्रीमिया विथ रशिया, इट इज़ ओवर स्ट्रेट ऑफ कर्च. स्ट्रेट ऑफ कर्च जो है इट जॉइंस KERCH, स्ट्रेट ऑफ कर्च. सो इट जॉइंस ब्लैक सी विथ सी ऑफ अजोव AZOV एंड ब्लैक सी. तो नाउ इसको इट इज़ अ रेल कम रोड ब्रिज विच वॉज डिस्ट्रॉयड. नाउ रशिया हैज सेड इट इज़ गोइंग टू रिपेयर इट बाई जुलाई 2023. उसके बाद वर्ल्ड के यंगेस्ट लीडर कैप्टन इब्राहिम तारोर हु लेड द कूप इन बुर्किना फासो, द सेकेंड कूप इन दिस ईयर, नाउ ही हैज़ बीन नेम्ड एज ट्रांजिशन प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो. उसके बाद स्कॉटिश एक्टर रॉबी कॉल्ट्रेन हु प्लेड अ क्राइम सॉल्विंग साइकोलॉजिस्ट एंड क्रैकर एंड द जेंटल हाफ जायंट हैग्रिड इन हैरी पॉटर मूवीज, ठीक है, ही हैज़ डाइड. द नेक्स्ट इज़ यूके से न्यूज़ आ रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वहाँ पे जो लिज ट्रस हु बिकेम द थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर एंड 56th प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ बोरिस जॉनसन, शी इज़ फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी, तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जिसको अपॉइंट किया था क्वासी क्वारतेंग, ओके, सो दैट क्वासी क्वारतेंग हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चांसलर. ठीक है, सो EVC कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जब टैक्स कट अनाउंस किया गया था. सो मिस्टर क्वारतेंग जो है, ही इज़ द कंट्री शॉर्टेस्ट सर्विंग चांसलर सिंस 1970. ओके एंड अगर हम देखेंगे दैट हिज सक्सेसर विल बी द फोर्थ फाइनेंस मिनिस्टर इन मैनी मंथ्स इन ब्रिटेन. अब ब्रिटेन में वैसे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है, देयर इज़ अ एनर्जी क्राइसिस. नाउ हु इज सपोज टू रिप्लेस मिस्टर क्वारतेंग, सो जेरेमी हंट, फॉर्मर फॉरेन एंड हेल्थ सेक्रेटरी, ही इज़ गोइंग टू रिप्लेस मिस्टर क्वारतेंग. ओके
यहाँ पे कुछ दिन पहले व्हेन वी वर डिस्कसिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ इंडिया एंड यूके अंडर इंडिया यूके रोड मैप 2030, ठीक है, तो हमने बात की थी यूके की होम सेक्रेटरी की, जिनके दो स्टेटमेंट ने थोड़ा सा डैम्पन किया एफटीए को, जो दीपावली तक साइन होने वाला था. ओके, सो शी रेज द इमिग्रेशन इशू. सो द यूके होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन, ये कुछ नाम हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सुएला ब्रेवरमैन, शी इज़ यूके होम सेक्रेटरी एंड शी हैज़ रिप्लेस्ड प्रीति पटेल. सो प्रीति पटेल हु वॉज होम सेक्रेटरी, शी रिजाइंड आफ्टर Liz Truss became the Prime Minister. So Suella Braverman, she is also an Indian origin woman and she is currently UK Home Secretary. चलिए अब हम आते हैं WPI की तरफ, ठीक है. तो WPI होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, सो इट हैज़ ड्रॉप्ड. अभी CPI के बारे में आपने पढ़ा कि वो इंक्रीज हुआ, but WPI has dropped. So WPI has dropped from 12.5% in August to 10.7% in September. इसमें यहाँ पे ये याद रखने का ज़रूरत है कि CPI बढ़ा है और WPI घटा है. Fine. So यहाँ पे अगर हम देखें that but still because of food price rise easing to a 10-month low from almost double-digit levels a month earlier, even though vegetables and cereals prices are shooting up. तो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स हमने क्या किया था कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में, दैट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ा था बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, ठीक. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है प्राइस बिकॉज ऑफ फूड प्राइस, बट स्टिल वेजिटेबल्स और सीरियल्स के जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है. द नेक्स्ट इज इंडियाज पॉलिसीज मस्ट एड इज ब्राइट स्पॉट फोरकास्ट. तो हमने ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है IMF का, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इट इज़ रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. तो उसने इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 7.4% से 6.8% ला दिया था फॉर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है. सो नाउ यहाँ पे हम लोग रिविजन कर रहे हैं उसी चीज़ का कि IMF ने फोरकास्ट किया है इंडिया का ग्रोथ इन करंट फाइनेंशियल ईयर एट 6.8% एंड 6.1% इन नेक्स्ट ईयर. ओके, बिकॉज ऑफ ग्लोबल जियो पोलिटिकल टेंशंस, देन राइजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया एक्सेट्रा. फाइन, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कुछ वर्ल्ड बैंक ने भी डाउनग्रेड किया है इंडिया का GDP फोरकास्ट, दैट इज फ्रॉम 7.5% टू 6.5%, और RBI ने कितना फोरकास्ट रखा है, दैट इज 7%. नाउ दिस इज सेइंग कि डाउनग्रेड होने के बाद भी इंडिया इज स्टिल द ब्राइट स्पॉट. तो ये कौन कह रहा है, एनी मैरी गुडे वोल्ट, हु इज द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट, इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. ओके, अब देखिए हमने इंडिया यूके ट्रेड डील के बारे में बात किया था, इंडिया यूके FTA, इसका एम जो है दैट इज टू डबल द बायलैटरल ट्रेड बाई 2030. इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड बाई दीपावली, बट नाउ इट इज नॉट going to be sealed. Fine. So there are sticking points including steep import duty on British whiskey for sale in India and India's demand for more visas for Indian students and business. Okay, these are the two sticking points between these two countries. The second is India pushes oil refiners to diversify after OPEC plus cuts. So humne kuch din pehle padha tha ki OPEC plus countries ne announce kiya hai that every day they are going to cut the oil production by that OPEC plus countries, they have decided to cut the output of crude oil production by 2 million barrels per day. So if you will just see that countries like India, where 85% of the oil is imported, so which spend $120 billion on the import of petroleum products, now they are saying that we want to diversify our oil import. So OPEC and OPEC plus. So OPEC प्लस देखेंगे तो ये 2016 में बना था. OPEC प्लस में वो कंट्रीज आती हैं जो OPEC के बाहर हैं. देर आर 10 सच कंट्रीज लाइक अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, देन मलेशिया, देन मैक्सिको, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान. ओके, उसके बाद OPEC कंट्री भी एक है, OPEC ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC कंट्रीज. तो OPEC कंट्रीज़ जो हैं इसके अंदर 13 कंट्रीज़ आती हैं टोटल, एंड दिस ग्रुप इज़ लेड बाय सऊदी अरेबिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना इन ऑस्ट्रिया.
वियना इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। ओपेक प्लस कब बना था? 2016 में। ओपेक जब बना था वो बना था 1960 में इन बगदाद, बगदाद में ये ग्रुप बनी थी। बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में। जब ये बगदाद में पहली बार बना था 1960 में, तो जो इसके मेंबर्स थे वो थे टोटल 5। कौन कौन? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। बाद में इसके टोटल मेंबर्स कितने बन गए? 13। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर, ये कंट्रीज ऐसे हैं जो पहले ओपेक के मेंबर्स थे बट अब ओपेक के मेंबर्स नहीं हैं, पहली चीज। दूसरा एक कंट्री है गैबन। गैबन पहले ओपेक से बाहर निकला और बाद में उसने फिर से ओपेक को ज्वाइन किया 2016 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट इंडियाज गुड एक्सपोर्ट। सो इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट हैज एक्सपांडेड 4.8% इन सेप्टेम्बर टू $35.45 बिलियन। ओके, इससे एक महीना पहले देयर वाज 3.5% कॉन्ट्रैक्शन। बट अगर हम इम्पोर्ट देखें तो इम्पोर्ट इज स्टिल एट $61.6 बिलियन विच हैज इंक्रीज बाई 8.66%। तो जो ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सो द ट्रेड डेफिसिट, सो इफ यू विल सी द ट्रेड डेफिसिट, दैट इज $25.71 बिलियन, दैट इज 14.4% हायर देन सेप्टेम्बर 2021। उसके बाद अगर हम देखेंगे दैट नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट दे श्रैंक 4.6%। ओके, एंड कोल इम्पोर्ट्स जे दे जम्प्ड टू 60.8%। द नेक्स्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, रुद्रांश विंस वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड एंड ओलंपिक कोटा फॉर पेरिस 2024 गेम्स, ठीक है ना। तो ओलंपिक 2024 में पेरिस में होने वाली है, जो रुद्रांश पाटिल हैं, ओके, who has defeated Danilo Denis Salazzo of Italy for gold in men's air rifle. Okay, so he won the world championship gold in air rifles and Olympic quota for Paris. So friends, that's all for today. We will meet next week. Till then, have a nice day. Thank you.